बोलियां, जायके की जुबां है शमा। बोले 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 दिल बोले कोई निशिया I love you कहे। सिग्नल बने तो शमा की हो महफिल, रौनक बने पीछे बिल। साइकिल की सुबह है शमा, कभी मम्मी का है Twice Health Formula के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोल। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबीयिल उम्मी व अला आलिही व सल्लम तस्लीमा। इब्तदा है रब्बुल जलाल के पाक व बाबरकत नाम से जो रहमान व रहीम है, और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो नबी आखिरुज जमा आकाए दो जहां सरवर कायनात सैयदुल अंबिया उल मुरसलीन मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं माह मुकद्दस माह मुबारक के सिलसिले में ANN न्यूज़ की खसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन ईमान रमज़ान। पाकिस्तान भर से और दुनिया में जहां कहीं नाज़रीन हमें देख रहे हैं, सऊदी अरब में, अमारात में, कतर में, कुवैत में, अमरीका और यूरोप में, सबको अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज 29 रमज़ानुल मुबारक 1441 और 23 मई 2020 है, यानी रमज़ानुल मुबारक का मुमकिन है आज आखिरी रोज़ा हो या एक रोज़ा हम पर मज़ीद भी बाकी हो सकता है। दुआ है अल्लाह ताला इस माह मुकद्दस के हमें 30 अय्याम मुकम्मल अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुबहानहु व ताला का ये मेहमान महीना, ये बरकतों रहमतों और नेमतों वाला महीना हमसे रुखसत हो रहा है, हमारी दुआ है और हम अल्लाह की जनाब में यकीनन गिड़गिड़ाते हैं कि ए इलाही, इस माह मुकद्दस के रुखसत होने से पहले तो हमारे लिए अपनी बख्शिश का परवाना जारी फरमा दे अपने फजल से, अपनी रहमत से। यकीनन हमारे आमाल, यकीनन हमारा किरदार इस काबिल नहीं है, हाँ हमें उम्मीद है तो तेरी रहमत से
कि तू हम पर ज़रूर अपना फ़ज़ल व करम फरमाएगा कि हम तेरे प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में हमारा मौजू है दुआ की फजीलत। यकीनन दुआ के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफहूम है हदीस मुबारका का कि दुआ इबादत का मगज़ है। और रमज़ान की इन आखिरी घड़ियों में मुमकिन है आज ये आखिरी इफ्तार हो और इफ्तार के औकात वैसे ही दुआ की कबूलियत के औकात हैं। यूँ तो रमज़ानुल मुबारक का एक एक लम्हा, एक एक घड़ी बरकतों और रहमतों वाली है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम वाली है। लेकिन इफ्तार के वक्त को कबूलियत दुआ का ख़ासूसी वक्त कहा जाता है। तो नाज़रीन मोहतरम, दुआ की अहमियत के पेश नज़र और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक की आखिरी घड़ियों में दुआ की किस कदर अहमियत है और किस तरह से इसका एहतमाम और कसरत करनी चाहिए, इस मौजू पर आज के हम इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे दुआ की फजीलत और अहमियत पर। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मजहबी स्कॉलर, इससे पहले भी ANN के प्रोग्राम में आप नाज़रीन उनसे मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बहुत खूबसूरत अंदाज़े गुफ्तगू अता फ़रमाया है, बड़ी मुदल्लल अंदाज में, सादा ज़बान में, तमसीलात के साथ समझ आने वाली ज़बान में गुफ्तगू फरमाते हैं। दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको उनके इल्म से मज़ीद फ़ायदा अता फ़रमाए और उन्हें अपने इल्म में मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। मेरी मुराद है अल्लामा अब्दाल मुनीर, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सर अपने इस प्रोग्राम में। नाज़रीन मोहतरम, हमारी रिवायत रही है, एक सना खां हमारे साथ मौजूद होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना खानी हम अपने प्रोग्राम में मुसलसल करते रहते हैं। आज ये सआदत हिस्से में आई है वसीम अली चिश्ती। वसीम, मैं आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं सबसे पहले वसीम से ही गुजारिश करूँगा कि अल्लाह के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अकदस में गुलहाए अकीदत पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाहु वसल्लम हबीबल्लाह, खुश नसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से, मेरे होठों पे हया का किसा ना बचपन से, मेरे होठों पे है आका किसा ना बचपन से। बज़्मे महबूब सजाने में मजा आता है, नात सुनने में सुनाने में मजा आता है। बज़्मे महबूब सजाने में मजा आता है, और बज़्मे महबूब सजाने में मजा आता है, और नात सुनने में सुनाने में मजा आता है। बज़्मे महबूब सजाने में मजा आता है, और लूटने वालों को आया है ना आएगा कभी, लूटने वालों को आया है ना आएगा कभी, जो फकीरों को लौटाने में मजा आता है, जो फकीरों को लौटाने में मजा आता है। बज़्मे महबूब सजाने में मजा आता है। और क्या ही खूबसूरत शेर के डरता रहता हूँ तमाशा न बना ले दुनिया, डरता रहता तमाशा न बना ले दुनिया,
आंसू छुप छुप के बहाने में मजा आता है, बज़्म में महबूब सजाने में मजा आता है। और उल्फते आले मोहम्मद को बसा कर दिल में, उल्फते आले मोहम्मद को बसा कर दिल में, नारा हैदर नारा हैदर हैदर नारा हैदर का लगाने में मजा आता है, बज़्मे महबूब सजाने में मजा आता है, बज़्मे महबूब सजाने में मजा आता है। जज़ाकअल्लाह वसीम अली चिश्ती, अल्लाह पाक आपकी इस मोहब्बत को हम सब की जानिब से कबूल फरमाएं। और यकीनन जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी अर्ज़ किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जनाब में सारी उम्मत की जानिब से दस बस्ता कि हमारे पास सबसे बड़ा असासा ये मोहब्बतें ही हैं। और दुआ है अल्लाह पाक हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों में और अपने से मोहब्बत करने वालों में लिख ले, अपनी तौफीक के मुताबिक हमें अच्छे आमाल की तौफीक अता करे। अल्लामा साहब आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में, फरमाइएगा दुआ है क्या। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमान रहीम। दुआ जिस तरह आप पहले एक हदीस शरीफ का मफहूम दे चुके हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ मगज़ है इबादत का, और आसान लफ्ज़ों में अगर हम इसको समझें अपनी आसानी के लिए तो वो है कि अल्लाह सुभान व तआला को पुकारना, अल्लाह सुभान व तआला से इल्तिजा करना, अल्लाह सुभान व तआला को अपने हाल के बारे में बताना, आवाज देना, दस्तक देना, उंडी खटकाना, दस्तक देना, क्या बात है, क्या तो बात। वो अल्लाह सुभान व तआला को अल्लाह के होने का एहसास अपने अंदर जगाना और ये बताना कि मालिक तू ही सब कुछ है, हम तो तेरे बंदे हैं, गुनाहगार हैं। तो बेसिकली ये इसका आसान अल्फाज में मतलब है। और अगर आप मुझसे पूछें तो दुआ एक इस उम्मत को खसूसी तोहफा है। आप ये देखें कि हर नबी को अल्लाह सुभान व तआला ने ये तोहफा दिया और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसकी उम्मत को। और दुआ ये इतनी पावरफुल चीज़ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया कि हर चीज़ का, हर फौजी का, हर मुजाहिद का एक हथियार होता है, तो मोमिन का हथियार दुआ है, बिलीवर का हथियार है ये दुआ, ये वेपन है एक किस्म का, और ये इतना खूबसूरत वेपन है। आप कैफियत देखें कि अल्लाह सुभान व तआला हर चीज़ से वाकिफ, हर चीज़ से बाखबर, अल्लाह सुभान व तआला किसी चीज़ के मोहताज नहीं है, अल्लाह सुभान व तआला को पता है मेरा ये बंदा इस वक्त क्या कैफियत रखा है, उसे सब पता है, लेकिन वो चाहता है फिर भी मेरा बंदा मेरे आगे मुझसे मांगे, मेरे दस्तक दे, मेरी कुंडी को बार बार पकड़े, अपने होने का एहसास अपने बंदे को अल्लाह कैसे दिलाता है, कुरान हकीम की रोशनी में जरा वजाहत फरमाएं। होने का एहसास अल्लाह सुभान व तआला अपने बंदे को इस तरह दिलाते हैं कि कैसे उभरता है दुआ के ही कॉन्टेक्स्ट से। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करूं जरूर कि अल्लाह सुभान व तआला बताते हैं, अल्लाह कहते हैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये आपसे पूछते हैं कि हम कहाँ हैं, कि रब किधर है, तो अल्लाह सुभान व तआला खुद ही फिर उसका जवाब कह रहे हैं कि इन्हें कहें कि हम इनकी शाहराह से ज़्यादा करें, कि हम तो इनकी शाहराह से ज़्यादा करें और हम तो इनके इंतजार में हैं, हम तो यानी दूर है तो बंदा दूर है, बंदा दूर। अल्लाह सुभान व तआला कुरान करीम में फरमाते हैं या अय्युहल इंसान मा गुर्रका बिरब्बिका, अल्लाह अल्लाह सुभान व तआला अपने बंदे से कैफियत में, जिस तरह एक बाप अपने बच्चे की गुमराही की वजह से बच्चा झुटला जाता है, गुमराह रास्ते पे चल जाता है, तो बाप जिस तरह परेशानी की कैफियत में, माँ बाप परेशानी की कैफियत में आ जाते हैं, हर किसी को कह रहे होते हैं यार हमारे बच्चे को, इसी तरह अल्लाह सुभान व तआला कुरान में जिक्र कर रहे हैं या अय्युहल इंसान मा गुर्रका बिरब्बिका, ऐ इंसान तुझे मेरे बारे में किसने धोखा दिया, और फिर अल्लाह क्यों गाफिल, अल्लाह सुभान व तआला साथ ये कह रहे हैं कि तू मुझे याद तो कर, तू मेरा जिक्र तो कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ, मैं तेरी शाह रख से ज़्यादा करी हूँ, तो मुझे याद कर, मैं तुझे याद कर, अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं तू मुझे याद तो कर, तो एक कदम तो आ, फिर देख मेरी आनियाँ, फिर देख मैं दौड़ के कैसे आता हूँ, चल के आ, मैं दौड़ के आ,
तो ये दुआ का ये फरमाइएगा, जज़ाकअल्लाह खैर, बहुत खूबसूरती से आपने वजाहत फरमाई है। मैं ये जानना चाहूँगा, एक एहसास होता है नदामत का, एहसास बाज़ औक़ात हमें दूर कर देता है। हम ये सोचते हैं कि किस मुंह से जाएं, पूरा रमज़ान तो ऐसे गुजार दिया, कुछ इबादत में शौक नहीं पैदा किया, अब आखिरी घड़ी में क्या मुंह लेके जाएं, कुछ है तो नहीं हमारे पल्ले, क्या कहेंगे आप इस पर? बहुत अच्छा सवाल है और ये अक्सर नौजवान तबके का बहुत जी जी मैं मेरे जहन में यही बात थी यार, इतनी तो गफलत में गुजर गई, अब क्या लेके जाएं। लेकिन आप उस रब की, उस खालिक की, उस मालिक की, वो सिर्फ ये कहता ही नहीं है कि मैं तुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ, वो करके दिखाता है। क्या बात। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूँ कि आपके एक गुनाह का अगर हमारे माँ बाप को पता लग जाए, एक गुनाह का अगर हमारे माँ बाप को पता लग जाए तो हो सकता है माँ भी मुंह फेंक ले, लेकिन हम देखें कि अल्लाह सुभान व तआला को जो हम चाहत अभी दिल में लेके आते हैं, जो हम चाहत यानी कि हम चाह नहीं सकते उसकी चाहत के बगैर, तो अगर वो चाहत अगर हम अपने दिल में लेके आ रहे हैं, अल्लाह उसको भी जानता है, अल्लाह को सब पता है, लेकिन उसके बावजूद तौबा का दरवाजा अल्लाह सुभान व तआला ने हर वक्त खोला है। अल्लाह सुभान व तआला तो चाहते हैं कि ये नदामत करे, अल्लाह सुभान व तआला तो चाहते हैं ये यानी कि गुनाह करेगा तो तौबा पे आएगा ना भाई, गुनाह करेगा तो इसको मेरी रहमत जो है, मेरी रहमत इसको बुलाएगी और मेरी रहमत इसको अट्रैक्ट करेगी, गोया अल्लाह की रहमत के इजहार का मौका भी तभी बनेगा जी, ये मौका है ये तौबा, ये गुनाह। मैं तो बल्कि यूं कहता हूँ कि अल्लाह सुभान व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को लिंक करके कि हर आदम का बेटा खता का, हर आदम का बेटा खता का, और बेहतरीन गुनाहगार, बेहतरीन खताकार जो तौबा कर माशाल्लाह, यानी इसका मतलब यह है कि ये गुनाह का एहसास लेके फिर मस्जिद ना जाना, अल्लाह की बारगाह में ना जाना, ये गोया एक शैतानी वसवसा, मायूसी हो गई ना, ये तो मायूसी हो गई, ये तो शैतानी वसवसा, और शैतान चाहता है कि हो ही ऐसे, बेसिकली ये जो वसवसा डाल रहा है ना, अच्छा अच्छा ये दरअसल मायूसी है, ये मायूसी की कैफियत वो पैदा करता है, और दुआ इसके ऑपोजिट है, दुआ दुआ उम्मीद पैदा कर, आप करके देख लें इस चीज को, रमजान तो बहुत बड़ा महीना है, बहुत बरकत वाला महीना है, आप वैसे नमाज में सजदे में दुआ मांग के देखें, आपको ऐसे थोड़ी देर के लिए ऐसे महसूस होता है, यकीन करें ऐसे महसूस होता है कि अभी जो 10 मिनट पहले जो मेरे अंदर कैफियत थी, जो परेशानियां थी, 10 मिनट के लिए अल्लाह ताला आपको ऐसा सुकून दे देते हैं कि अच्छा ठीक है यार, जो होगा सो हो जाएगा, यानी वो एहसास आ जाएगा ना कि साथ का एहसास आ जाएगा, मैं अकेला नहीं हूँ। उस्ताद ये फरमाया करते थे, वो ये कहते होते थे कि दुआ कैफियत का नाम है, दुआ रटे रटाए अल्फाजों का नाम नहीं। अच्छा अच्छा, जब मैंने शुरू में दुआ कैफियत का नाम, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत अल्फाज, जज़ाकअल्लाह। मैं जब आपसे सवाल पूछा ना दुआ क्या है, तो मेरे जहन में एक बात ही आई उस वक्त कि मैं पूछूं आपसे, गुजारिश करूं कि क्या ये कैफियत का नाम है, फिर मुझे लगा कि शायद ये मेरे अल्फाज मुनासिब नहीं होंगे, तो मैंने आपसे पूछा कि दुआ है, और अब आपने माशाल्लाह वही वजाहत फरमा दी, ये अल्लाह सुभान व तआला ने आपके जहन में जो ये बात डाली, मेरे दिल वाली बात डाली, हाँ मैं वही अर्ज, और मैं इसको कुछ गलती समझ के मैं रुक गया कि हो सकता है ये गलती हो। ये मेरे उस्ताद कुरान तर्जुमे सब इस चीज को बयान करते हैं, दुआ कैफियत का नाम है, और वो कैफियत लेके आया करो जब अल्लाह से मांगा करो, वो रटे रटाए अल्फाज नहीं लाओ, वो कैफियत लाओ, बात करो, गुफ्तगू करो, कैफियत कबूल होती है। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह हज़रत अब्दाल मुनीर साहब, इंशाल्लाह मज़ीद भी मौजू पे गुफ्तगू करेंगे, आज तो मौजू ही यही है कि किस तरह से हमने ख़ुद को अपने सरब के सामने आजिज़ करके पेश कर देना है कि इन आखिरी घड़ियों में हम उससे अपनी मग़फ़रत का परवाना वसूल कर लें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपके अल्फाज और आपकी तहरीक मुझ समेत तमाम जितने भी हाज़रीन यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे स्टूडियो के जितने लोग हैं, और उम्मत मुस्लिमा का हर फ़र्द मर्द व ख़वातीन जो जो आपको सुन रहा है, इंशाल्लाह ज़रूर शौक पैदा होगा और हिम्मत पैदा होगी, हम अल्लाह की बारगाह में आजिज़ होकर हाजिर हो जाएं। नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मगर वक्त हुआ है यहाँ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बोले दिल की बोलिया, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले कोई डिशिया आई लव यू कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने।
की जुबान है शमा। टॉयस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति बोले दिल की बोली। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू का मौजू है दुआ की फजीलत व अहमियत, और ख़ास तौर पर रमज़ान की इन आखिरी घड़ियों में दुआ की अहमियत किस हद तक बढ़ गई है। हम गुफ्तगू कर रहे हैं अल्लामा अब्दाल मुनीर, हमारे साथ मौजूद हैं मजहबी स्कॉलर, मीम अकेडमी के साबिक ट्रेनर हैं आप, और हम गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। बड़ी खूबसूरती से उन्होंने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में दुआ बुनियादी तौर पे है क्या चीज़ और ये किस कैफियत का नाम है, इस अमर पर उन्होंने रोशनी डाली, किस तरह से ख़ुद पर वो कैफियत तारी करके अपने आप को रब की बारगाह में लेकर जाना है। अब्दाल मुनीर साहब, ये फरमाइएगा दुआ कबूल किसकी होती है? यानी हम शाकी रहते हैं, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैं पूरे रमज़ान से क्या बल्कि एक साल से ये फ़लाँ दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह तो मेरी दुआ सुन नहीं रहा। फिर ये एहसास भी साथ आ जाता है शायद हम हैं ही इतने गुनहगार कि इस काबिल ही नहीं है कि हमारी दुआ जो है वो वहाँ तक पहुँचे, तो ये चीज़ भी हमें फिर वो आइंदा दुआ से गोया रोक देती है। तो आप इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें। दुआ मांगते वक्त ये यकीन रखना कि जिसको सुना रहा हूँ वो सुन रहा है, ये ईमान का हिस्सा है, ये अकीदे का हिस्सा है। यानी ये जुमला ही बोलना ही दरअसल गलत है, ये जो कहना कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, अल्लाह मेरी सुनता नहीं है, जुमला बोलना गलत है। आपको मैं पहले ये अर्ज कर सका नाज़रीन को कि आप तो चाह भी नहीं सकते उसकी चाहत के बगैर, तो सोचें कि ये जो चाहना है ना आपका कि मैं मांगूं अल्लाह से, ये उसी ने तो दी है तौफीक। ये तौफीक उसी ने दी है, आप तो कर ही नहीं सकते। यानी ये जो हमारा नुक्ता आगाज है हम उसके सामने फैला रहे हैं या अपनी बात बयान कर रहे हैं, ये उसकी तौफीक से है। किसी ने ये पूछा, किसी ने ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि इस चीज की क्या गारंटी है कि जब मैं अल्लाह से तौबा करूं, जब मैं अल्लाह ताला से मांगू तो अल्लाह मेरी दुआ को, मेरी तौबा को कबूल कर ले। तो मुस्कुराए, उन्होंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, और उन्होंने कहा कि तुम्हारे दिल के अंदर ये गुमान आना कि मैं तौबा करूं, ये उस जात का रहम और करम और फजल ही तो है। अगर तुम चाहते ही ना, अगर वो चाहता ही ना, तो तुम चाह ही नहीं सकते थे। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो ये है, जो हमें सीखनी चाहिए बच्चों को, बड़ों को, जवान को, स्पेशली हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बेसिकली छोटी छोटी चीजों की वजह से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, ये है कि ये अकीदा रख के दुआ मांगनी है कि जिसको सुना रहा हूं वही सुन सकता है और कोई सुन ही नहीं सकता, और सिर्फ अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इसकी कबूलियत के बारे में हदीस शरीफ में आता है कि जब तुम दुआ मांगते हो तो अल्लाह सुभान व तआला तुम्हारी दुआ कबूल कर लेते हैं या तो उसी वक्त कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा है कि आप दुआ मांगते हैं, आपके दुआ आपके हाथ उठाने की देर होती है तो वो काम हो चुका होता है, चीज अता हो जाती है। आप उस वक्त तो कहते हैं अल्लाह अकबर, बड़ा अच्छा काम हो गया और ईमान भी हमारा बढ़ता है बिल्कुल ऐसे। लेकिन ईमान दर हकीकत नाम ही गैब पे यकीन रखने का है, ईमान नाम ही जो है वो गैब पे यकीन रखना है। तो अल्लाह सुभान व तआला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि या तो अल्लाह तुम्हारी दुआ उस वक्त कबूल कर देते या उस वक्त नहीं करते, रख लेते हैं उसे, रिजर्व कर लेते हैं, जो अल्लाह बेहतर जानते हैं कि ये चीज मैंने अपने बंदे को कब देनी है। इंसान तो जल्दबाज है, इंसान तो जल्दबाज है।
अल्लाह सुभान व तआला जानते हैं, नहीं, नहीं नहीं जिस तरह आप अपने बच्चे को 10 साल की उम्र में मोटरसाइकिल नहीं लेके देंगे, जितना मर्जी मांगता रहे आपसे, जितना मर्जी जिद करता रहे आपसे, बहुत खूबसूरत मिसाल, ठीक है, आप उसे कहेंगे नहीं बेटे अभी नहीं, बेटे अभी नहीं, बेटे थोड़े से बड़े हो, अल्लाह सुभान व तआला तो 70 माओं ज्यादा प्यार करता है, वो आपका नुकसान किस तरह बर्दाश्त कर सकता है भाई, वो नहीं नुकसान कर सकता। जिस चीज में हमें फायदा नजर आ रहा है, हो सकता है उसमें फायदा ना हो हमारे लिए, इसीलिए अल्लाह की हिकमत का तकाजा है कि वो अभी हमें नहीं मिल रही। अशवाक अहमद साहब बड़ी प्यारी तहरीर लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि तुम अल्लाह सुभान व तआला से छोटी 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 चीजें मांग रहे होते हो और वो कबूल अल्लाह ताला नहीं कर रहे होते, और भाई दर हकीकत अल्लाह ने बड़ी चीज देनी होती है, तू छोटी छोटी मांग के ही देना है ना अपना खराब कर लेना, ठीक है, तुम अल्लाह सुभान व तआला को पता है मैंने अपने बंदे को कब क्या देना, तो ये यकीन रखना चाहिए कि अगर अब नहीं कबूल होगी तो ये बेहतर नहीं होगा तो बेहतरीन करेगा। क्या बात है, अल्लाह सुभान व तआला से ये उम्मीद रखें, ये अकीदा होना चाहिए, यानी जो हमने दुआ की वो जाया नहीं हुई, जाया नहीं होगी, वो अब नहीं तो बाद में मिलनी है और बेहतर होकर मिलनी है, वो अल्लाह सुभान व तआला अपने बंदे के साथ मामला अगर बेहतर नहीं है तो बेहतरीन अता करता है, उससे अच्छा अता करेगा, उससे बेहतर अता करेगा, तो ये अकीदा रख के दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला, और इस हदीस की रोशनी में रख के अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को अगर हम इस हदीस की रोशनी में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, तो इंशाअल्लाह ताला हम कभी दुआ से मायूस नहीं, कभी दुआ से। अल्लामा साहब, वो जो आखिरत में उसके दुआ के रिजर्व करने वाली बात है, एक इस तरह के भी कोई वाकया मैंने कोई पढ़ा था या सुना था कि दुआ जो है वो रिजर्व भी कर ली जाती है आखिरत के लिए भी, हाँ, अपने इनाम से देते हैं उसे, यानी कि सूरह यासीन के अंदर आपने देखा है कि एक आयत है जिसका तर्जुमा मफहूम है, अल्लाह ताला कभी कोताही से माफ करे, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम, तो अल्लाह सुभान व तआला कह रहे हैं कि उस दिन अल्लाह का दीदार हो और अल्लाह सलाम पेश करे, तो उसकी छोटी सी उलमा ने जो मुहद्दिसीन ने और मुफस्सरीन ने जो छोटी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो कोट की है, वो ये किया है कि अल्लाह सुभान व तआला अपने बंदे को ये कहेंगे उस जन्नत वाले दिन, जन्नत में क़यामत वाले दिन हिसाब किताब के बाद अल्लाह कहेंगे, अच्छा अगर मैं तुझे इतना दे दूं जितना दुनिया में था तो तू राजी हो जाएगा। आप देखें कि अल्लाह कह रहे हैं कि अगर मैं तुझे इतना दे दूं जितना दुनिया में था या जितनी दुनिया थी, अगर मैं तुझे इतना दे दूं इससे राजी हो जाएगा, यानी पूरी दुनिया के बराबर एक बंदे को, हाँ जी, पूरी दुनिया के बराबर एक बंदे को दे दूं, और ये वो बंदे जुनैद बगदादी नहीं है, ये मेरे और आप जैसे गुनाहगार है, ये मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है, ये यंगस्टर्स के लिए बड़ी मोटिवेशन है कि उसके दामन से कभी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, कमियां तो मुझ में है, मांगना नहीं आता तो मुझे नहीं आता, लेकिन फिर भी मांगना छोड़ना फिर नहीं छोड़ना। लेकिन सर आपको मोटरसाइकिल, वही वाली बात है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बच्चा चला चला के सीखेगा, पहली दफा जब आपने उसे साइकिल दी थी पता नहीं कितनी दफा गिरा था, पता नहीं कितनी दफा गिरा था, लेकिन उसने फिर कोशिश की, फिर कोशिश की, यही है तरीका, यही कुदरत का, यही भी यही जो है ना रूल ऑफ लॉ, यही कुदरत का। जज़ाकअल्लाह। मखसूस कोई औकात है इसके लिए दुआ मांगने का, कोई खास वक्त होता है? हाँ जी बिल्कुल, हदीस से हमें ये बिल्कुल मिलता है, और इसका जिस तरह रमज़ान शरीफ में, तो चूंकि सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो तो कैद हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह का वसवसा भी नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से, और दूसरा ये है कि मखसूस औकात हैं, सहरी के वक्त के औकात हैं, तहज्जुद के वक्त बहुत बड़ी फजीलत, आम दिनों में भी तहज्जुद के वक्त अल्लाह सुभान व तआला कहते हैं है कोई मुझसे मांगने वाला, ठीक है कोई मुझसे मगफरत तलब करने वाला, है कोई मुझसे लेने वाला, तो ये अल्लाह सुभान व तआला का इजहार मोहब्बत अपने बंदे से कि अल्लाह तो आ गए हैं, तू आ जा बस, अब तू अल्लाह के पास आ जा, तो तहज्जुद के वक्त इसकी बहुत फजीलत है, नमाजों के बाद, फर्ज नमाजों के बाद दुआ मांगना बहुत बड़ी फजीलत, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एम्फसाइज किया इसके ऊपर, अच्छा हाँ, कि फर्ज नमाज के बाद दुआ जरूर मांगा करो, अल्लाह नाराज हो जाते हैं अगर तुम नहीं मांगते, हाँ तो दुआ जरूर मांगा करें। इसी तरह रमजान में और जो आपने भी बयान किया कि इफ्तार के औकात कबूलियत के वक्त हैं, और आजकल तो हमारा आखिरी अशरा है, तो आते हैं आखिरी अशरा क्या, तो आखिरी पांच जो हैं वो तो पांच सारा ही हमारा जो है वो गुजर गया, तो एक और जो छोटी सी मैं गुजारिश नाज़रीन को करना चाहूंगा, जो हम ट्रेनिंग में ये बच्चों को बताया करते थे कि रमजान के जो 30 या 29 दिन है ये गोया ऐसे है कि एक बंदे ने ना आपको चेक दे दिया साइन करके, ठीक हो गया, और उस पे आप हर रोजे के बाद ना अपनी अमाउंट लिखते रहे, अल्लाह सुभान अल्लाह, आपने लिख, आपने एक रोजा रखा, आपने सोचा यार हाँ आज इतने पैसे लिखूंगा इस पे, दूसरा आज इतने पैसे, तो मेरे भाई ये जो चांद रात है भाई, ये जो इख्तिताम है, ये आज उस चेक को कैश कराने का वक्त,
ये आज उस चेक को जाया करने का वक्त नहीं है, ये आज उस चेक को फेंक देने का वक्त नहीं है। आप फेंकेंगे, कोई इंसान फेंकता कोई दुनिया में आपने कभी देखा हो? नहीं है ना। तो ये ईमान का हिस्सा है कि ये जो आज की रात है हमारी, गोया चांद रात है या जो भी है, तो ये जो आखिरी वक्त है ये उस चेक को कैश करवाना है भाई, उसे फेंकना नहीं है, गफलत में नहीं रहना, ठीक है। तो आज खसूसी तौर पर अल्लाह से, आज अल्लाह सुब्हानहू तआला को बहुत महबूब है ये कि रमजान के खत्म में अल्लाह सुब्हानहू तआला से मांगा जाए, और अपने लिए मांगे, अपने वालिदैन के लिए मांगे, और मुल्क कौम के लिए मांगे, ठीक है, और उम्मत मुसलमा के लिए। जज़ाकअल्लाह। मौलाना साहब, ये फरमाइएगा, तिलावत जैसे आपने फरमाया कि नमाज के बाद भी दुआ जो है आपसे सल्लम ने फरमाया कि पसंदीदा है, ज़रूर मांगा करो, इसके लिए तहरीक दी, उभारा, तिलावत के बाद भी दुआ मांगनी चाहिए? तिलावत के बाद या कुरान मजीद ख़त्म, कुरान मजीद पढ़ने के बाद या ख़त्म कुरान के वक्त? आपने अक्सर देखा है ये चीज़ हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है कि जब जिन मस्जिद में तकमील कुरान होता है, 27वीं को होता है, 29वीं का होता है, 25वीं का होता है, तो बकायदा दुआ का एहतमाम किया जाता है और लंबी लंबी ज़्यादा तवील जो है आधे दुआएं की दुआएं मांगी जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कबूलियत का वक्त होता है। अल्लाह सुब्हान व तआला को इस माह रमज़ान में सबसे महबूब चीज़ अपना कुरान है ना, क्योंकि अल्लाह ने कुरान इस महीने में उतारा है, फिर ताक रातों में उतारा है। तो जब भी तकमील कुरान होती है या कुरान पढ़ा जाता है तो गया ऐसे है कि फरिश्ते इंतजार में होते हैं कि ये मांगे और उन पर लेके जाए। मैं आपकी इस बात से मुझे याद आया, अपने सऊदी अरब में क़याम के दौरान मैंने देखा रमज़ान मुबारक में ये जो आखिरी रात या तकमील कुरान की जो तकरीब है, इसमें जिस दिन कुरान मजीद का ख़त्म हो रहा है हरमैन शरीफैन में, घंटा भर की दुआ, अच्छा लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं और वक्त के गुजरने का किसी को एहसास ही नहीं और खड़े हैं सारे, और कैफियत तारी रहती है, सुभान अल्लाह क्या बात है। ऐसा आलम शौक और आलम जुनू महव होते हैं सारे अल्लाह से राजो न्याज में, और जनाब अशकों की लड़ियाँ जो हैं वो जारी और सारी हैं, आंसू जनाब बह रहे हैं सबके, और सुभान अल्लाह एक जो है ना वो अजीब ही आलम महसूस होता है, और दुआ है अल्लाह पाक जो है वो सबको नसीब करें। हाँ जी बिल्कुल, हम और इस मौजूदा सूरत हाल में तो मेरा ख्याल में आप मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि इस वक्त जो हमारे मुल्क के बल्कि पूरी दुनिया की जो सूरत हाल है तो इस चीज़ की अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है कि हम बड़ी कसरत से दुआ करें कि जिन नादीदा गुनाहों की हमारे सज़ा है, जो हमसे अनजाने में भी हुए, हमें पता नहीं है कि हम पर ये किन गुनाहों की शामत है, और अल्लाह ताला जो है वो उन्हें बख्श दे, और इस्तग़फार का एहतमाम करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें इन आखिरी घड़ियों। जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह मौलाना साहब। अच्छा मुझे ये फरमाइएगा, मुझे बल्कि आगे बढ़ने से पहले अचानक की बात और जहन में आ गई, दो खुतबों के दरमियान में मैंने देखा है कि मस्जिद में लोग जो हैं वो बाज़ लोग तो बैठे होते हैं लेकिन बाज़ लोग हाथ दुआ के लिए उठा के राजो न्याज, वो चंद सेकंड का वक्फा होता है वो मसरूफ हो जाते हैं, तो उस वक्त भी कोई दुआ के लिए खास कोई सी हदीस में है, कोई कहा गया है, शौक दिलाया गया है, मतलब हदीस से मंसूब है या नहीं है इसका तो मुझे इल्म नहीं, अल्लाह ताला कभी कोताही माफ करे, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि अब उसमें भी देखें जब खुतबा पढ़ा जा रहा होता है तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके और खुल्फाए राशिदीन तक बेसिकली उनका नाम लिया जा रहा, सबका तस्करा होता है, उन पर सलाम भेजा जा रहा होता है, पर सलाम भेजते हैं, दुरूद भेजा जा रहा है, उनके वसीले से मांग रहे होते हैं, तो बिल्कुल इसमें कोई मजायका नहीं है कि आप उसमें अगर दुआ मांगते हैं खुतबों के दरमियान ही, जब देखें ना, जब आप अल्लाह के महबूब तरीन बंदों का वसीला देंगे, जब आप अल्लाह के महबूब तरीन बंदों का तस्करा करेंगे, बोलेंगे कॉलो फेल में उस तरह बनने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपकी दुआ कैसे कबूलेंगे? फिर आपकी दुआ कैसे कबूलेंगे? जज़ाकअल्लाह खैर। मौलाना साहब मुझे इजाज़त दीजिए, ब्रेक ले लूँ एक, हम मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन मोहतरम हमारे साथ रहिएगा, वक्त हुआ है ब्रेक का, हम ब्रेक से वापसी पर दुआ की फजीलत और अहमियत के मौजू पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। अल्लामा अब्दाल मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सना खान मुस्तफ़ा, वसीम अली चिश्ती, हम एक मरतबा फिर उनकी जानिब भी बढ़ेंगे और उनसे गुजारिश करेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएँ। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबां है शमा,
बोले 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 दिल बोले कोई निशी आई लव यू कहे कोई मिस यू का सिग्नल बने रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बल हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति बोले दिल की बोली।